भाई साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला था पूरा, इसके बारे में जानकारी। देखिए, ऐसा है कि गाजियाबाद पुलिस ने एक आरोप लगाया था कि मुमरा में धर्मांतरण हुआ जिसमें 400 लोगों के लगभग कन्वर्टेशन हुआ है। तो उसी के खिलाफ हम लोग ने यूपी पुलिस और यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ एक नोटिस इशू करवाया है कोर्ट के माध्यम से कि अगर ये कन्वर्टेशन हुआ है, 400 लोग कन्वर्ट हुए, तो ये 400 लोग किधर है और इस शहर में कहाँ रहते हैं। ये नोटिस किसको किसको जो है भेजी गई है? ये नोटिस जो है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर को भेजी गई है, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेजी गई है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर निपुर अग्रवाल को भेजी गई, जिन्होंने ये वक्तव्य तो दिया है। इस नोटिस के जरिए अगर वहां से कुछ आपको जवाब नहीं आता है तो आपको फिर हम कोर्ट के अंदर मूव हो जाएंगे, हाई कोर्ट में। इस तरह से 400 का पूरा मामला है, इस तरह के और भी पहले मामले दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से भी आ चुके हैं। देखिए, पता नहीं क्या मामला है कि मैंने जो स्टडी किया है उसमें ये चीज हो रही है कि इसके पहले राजस्थान, फिर उसके बाद क्या नाम है अपना, दिखाई तमिलनाडु, वहाँ दिखाई राजस्थान 2022 कितना 400 नवंबर नवंबर, तमिलनाडु 400 2020 2020, मेरठ 2022 अक्टूबर 400। ये पता नहीं क्यों, जैसे एक आंकड़ा होता है ना, वो एक आंकड़ा फिक्स है कि जब कभी ऐसा करना है तो ये 400 का आंकड़ा देना चाहिए। अब ये इत्तेफाक है या क्या है कि लेकिन 400 का आंकड़ा, और मुमरा का भी आंकड़ा 400 का है। इस तरह से हम न्यूज कटिंग दिखा रहे हैं 400 का, अन्य राज्यों का, गुमराह में भी इसी तरह के 400 लोगों का परिवर्तन का मामला बताया गया। जी, अब ये 400 का, इसी पे हम लोग को जरा डाउट हुआ कि ये 400 किधर है, जबकि हमारा पुलिस स्टेशन या हमारा डीसीपी एरिया ये बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इतना बड़ा वो आरोप लगा देना एक पूरे शहर के ऊपर, मेहनत का शहर है, सवेरे काम पे जाता है, रात में घर पे आता है, खाना खाता है, फिर सोता है, सवेरे फिर काम पे जाता है। इतने बड़े शहर को, एक माइनॉरिटी बड़ी पॉकेट है, इसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देना तो कहीं ना कहीं पूरे देश में हमको गलत निगाह से लोग देखेंगे। अगर प्रूफ नहीं होता है तो आप लोगों की मांग क्या है? अच्छा, इस पे अगर प्रूफ नहीं होता तो हम कोर्ट में जाएंगे, वरना वो माफी मांगे जिन्होंने ये बयान दिया है। हमारी यही गुजारिश है कि वो माफी मांग ले कि भाई इस तरीके का नहीं था, ये पर्टिकुलर एक दो या पांच लोगों का वो था गेम के माध्यम से, पता नहीं क्या उनका क्या कनेक्शन था, वो उनका जांच का विषय, उससे हमको मतलब नहीं। हमको 400 लोगों से मतलब है, या 400 लोग हमको दिखा दे, कि उनकी लिस्ट दे दे, या बता दे कि मुमरा में कौन सी बिल्डिंग में 400 हुआ, या मुमरा के कौन से पहाड़ी पे ऐसा हुआ। तो आजकल पहाड़ियों का नाम ज्यादा लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एडवोकेट जसील नौरंग है, मैं इसी शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये बस मैंने यही मांग की है सैयद अली साहब के साथ में बातचीत कर कर कि इन्होंने जो फॉल्स एलिगेशन लगाया 400 पीपल का, क्या ये लोग ने यहाँ पे मुमरा के 400 लोग ने धर्मांतरण किया, ऐसा ये लोग ने एक शायद आपकी न्यूज़ के माध्यम से मैंने सुना भी था, ऐसे शायद न्यूज़ आई थी, तो उसके ऊपर से जो फॉल्स एलिगेशन लगा है उस चीज़ को हम चाहते कि सीध करें, नहीं तो शहर के लिए माफ़ी मांगे। वजह यह है कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, इसके पहले भी जैसा भाई साहब ने बताया कि अन्य शहर के अंदर ऐसे 400 लोगों का चीज़ें आई हुई है, क्या होता है ये चीज़ फिर साइलेंट हो जाती है और ये लाइफ टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे रह जाता है। हमेशा आप कभी भी इसको निकाल के देखोगे तो हमेशा 400 आपको वहाँ पे दिखा रह जाएगा, और आगे आने वाली पीढ़ी चीज़ देखेंगे कि मुसलमान और मुमरा शहर में इस तरीके से चलता है। तो हमको हमारे शहर जो है, हमारा शहर ऐसा नहीं है, हमारे शहर के लोग काफी अच्छे हैं, तो इसी चीज को हमको लीगल प्रूफ तौर करना है। पर आप किस तरह से कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे लीगल तौर पे हमने इनको फिलहाल एक नोटिस दी है, और नोटिस के अंदर हमने इनसे सवाल किया है, जो जो लड़का है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसने अगर अनकॉन्स्टिट्यूशन कोई चीज की है, कानून जो है, कानून के बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक में उनको जो उनकी सजा बनती वो दो,
हमने यहाँ के जो हमारे डीसीपी है, यानी यहाँ पर अगर वो ऐसा बोल के जाते हैं तो हमारे जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनके ऊपर भी इल्जाम लगता है। हत्ता कि हमारी जो लोकल पुलिस स्टेशन है, डीसीपी ऑफिस है, एसीपी ऑफिस है, मुमरा पुलिस स्टेशन है, एक हद कमिश्नर ऑफिस है, एक हद तक के इतना बेहतरीन काम करते हैं कि कोशिश करते हैं कि ऐसी सब चीज़ों के झगड़े लफड़े ना हो। आज तक के मुमरा के अंदर कोई राइट्स नहीं हुए, पर्सनल लेवल पे कोई राइट्स नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ के लोग उस तरीके से, थाने पुलिस डीसीपी साहब ने खुद कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उनके ऊपर भी ये चीज़ों का ब्लेम है। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज बता दी गई, ऐसा मुमरा के अंदर कोई ऐसा धर्मांतर का मामला नहीं। अगर वहाँ से आपको कोई लीगल नोटिस वगैरह का जवाब नहीं दिया जाता है तो इस तरह की आपको, हम इसके आगे जो है वो कानूनी कार्रवाई के अंदर कोर्ट में जाएंगे। आपने नोटिस भेजा कैसे? बाय पोस्ट से भेजा, यूपी जा नहीं सकते इसके लिए, पोस्ट से भी स्पीड पोस्ट से जो है, स्पीड पोस्ट से जो ऐसा पोस्ट किए भाई साहब के नाम से, सैयद अली अशरफ, मतलब ये ऑफिस का एड्रेस है, ये एड्रेस है सैयद अली अशरफ, इनसे मेरी बात हुई, इन्होंने कहा कि मैं भी शहर में ऐसा है, इनके अब्बा से लेके इनके खानदान से लेके शहर ने बहुत सारी चीज़ शहर के लिए की है। उन्होंने बोला कि एक शहर के लिए एक चीज़ और ही होना चाहिए, हमारा इस पर योगदान होना चाहिए कि शहर के ऊपर ये जो दाग लगा है वो इंशाल्लाह हटा के रहे।